So hello everyone and welcome back on my channel and also welcome to the series of Paper One where we are doing teaching aptitude in the most systematic order and with the questions. जैसा कि आप सभी बच्चे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, I am teaching you both Paper One and Paper Two and this is my Telegram channel which you must join if you want instant notification and instant links to any video that comes through. Then my style of teaching as you all must be knowing by now कि कम टाइम में बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, ऐसा हम लोग जब करते हैं तो आप लोग का जो टाइम है उसका सही यूटिलाइजेशन होता है बिकॉज माय स्टाइल ऑफ टीचिंग इज पॉइंट टू पॉइंट. आपको कोई भी मेरे कंटेंट में ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो आई ना हुई हो एंड जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको भर भर के देखने को मिलते हैं अलोंग विद क्वेश्चंस. तो इसी बात के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को और देखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के जो कुछ आई गेस हम लोग का आज सेवेंथ लेक्चर है उसमें हम लोग आज की क्लास में क्या देखने वाले हैं. एज यू कैन सी टूडे we are going to see modalities of teaching and models of teaching. ये दोनों ही आपको नाम लग रहे होंगे कि similar है, लेकिन दोनों similar नहीं है, दोनों अलग-अलग चीज़ है. And आज के वीडियो के थ्रू आपका एक मिथ टूटने वाला है, जैसे कि from the very starting I tell you people कि PYQs पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. ऐसा हर बार होता है कि जो बच्चे PYQs ज़्यादा से ज़्यादा लगा के जाते हैं वो नेट वालों की लैंग्वेज पकड़ने में, उनके रिपीटेड क्वेश्चंस को पकड़ने में वो बहुत ज़्यादा समर्थ हो जाते हैं. एंड आज की इस वीडियो में आई विल शो यू विद प्रूफ कि आपको अगर लगता है कि PYQs पढ़ने से कुछ नहीं होता है तो आपको दिख जाएगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो श्योर शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं जिनसे आपका नेट बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चंस आपके पुट अप करता है, क्वेश्चंस तक नहीं चेंज करता है, सेम आपको उठा के दे देता है. एंड ये आपको आज की क्लास में देखने को मिलेगा एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट वेरी वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर दिस क्लास. तो आइए स्टार्ट करेंगे हम लोग मोडालिटीज ऑफ टीचिंग को. आपके सामने है चार डब्बे, डब्बों के अंदर बनी हुई है कुछ, लिखा हुआ है कुछ, विच इज नंबर वन ट्रेनिंग, नंबर टू योर इंस्ट्रक्शन, नंबर थ्री योर इंडॉक्ट्रिनेशन एंड नंबर फोर इज योर कंडीशनिंग. टीचिंग का जो तरीका होता है, भाई टीचिंग क्या होती है, एक अच्छा टीचर क्या होता है, ये हम सब देख चुके हैं एंड आई होप बहुत अच्छी तरीके से समझ भी गए हैं. लेकिन टीचिंग के कई सारे तरीके होते हैं बेटा जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. एक टीचिंग आपकी ट्रेनिंग के जरिए कराई जाती है, एक टीचिंग आपकी मात्र इंस्ट्रक्शंस देके कराई जाती है, एक टीचिंग इंडॉक्ट्रिनेशन के तरीके से होती है एंड एक टीचिंग कंडीशनिंग के थ्रू आपकी होती है. तो ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए समझना. एंड इसी के साथ आई हैव मेड अ वेरी ब्यूटिफुल चार्ट फॉर यू पीपल ताकि आप लोग को समराइज करें एक ही पेज के अंदर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो जैसा आप सब लोग देख सकते हैं टीचिंग यहाँ पे लिखा हुआ है एंड उसके नीचे दो येलो कलर के बॉक्सेस बने हुए हैं. पहला है हमारा चेंज इन बिहेवियर, दूसरा है हमारा चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज. हम लोग जैसा कि हम लोग ने पहले भी देखा है कि टीचिंग का बेटा एम ही होता है एक इंटेंडेड आउटकम लेके आना अपने स्टूडेंट के अंदर, दैट इज चेंज इन योर बिहेवियर. तो अगर आपको एक बच्चे का बिहेवियर चेंज करना है तो आप किन दो तरीकों से करोगे, नंबर वन इज योर ट्रेनिंग, नंबर टू इज योर कंडीशनिंग, जिसमें से आपका ट्रेनिंग एक पॉजिटिव थिंग कहलाता है एंड आपका जो कंडीशनिंग है वो एक नेगेटिव थिंग कहलाता है. उसी के सामने आपको दिखाई देता है चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज. देखो ज्ञान बांटना एक दूसरी बात होती है लेकिन एक इंसान का एक बिलीफ सिस्टम ही पूरा चेंज कर देना पढ़ाने के बाद या फिर उसको कुछ सिखा देने के बाद कि आपने जो उसको पढ़ा दिया उसके बाद से उसका जो आउटलुक है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, ये बेटा पॉसिबल हो पाता है आपका पहला इंस्ट्रक्शन से एंड दूसरा आपका पॉसिबल हो पाता है इंडॉक्ट्रिनेशन से. अगेन दोनों ही जगह पे ये आपका पॉजिटिव होता है, ये आपका नेगेटिव होता है. तो आइए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि टीचिंग से ये चारों किस तरीके से अलग हैं या फिर सिमिलर है. सबसे पहला जो पॉइंट हमारा आता है टीचिंग वर्सेस ट्रेनिंग. जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं टीचिंग हम सबको पता है जहां पे टीचर आपको नॉलेज देता है, ही इम्पार्ट्स यू विद सम नॉलेज एंड सम इंफॉर्मेशन. वहीं दूसरी तरफ आपका जो ट्रेनिंग होता है बेटा वो स्पेसिफिकली एक सेट ऑफ स्किल्स को सिखाने के लिए होता है, जहां पे टीचर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है क्लास में कि मेरे बच्चे को ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, वो बाहर की दुनिया में भी बात करना सीख पाए एंड और भी बहुत सारी चीजें. वहीं पे ट्रेनिंग आपका फर्क नहीं पड़ता है कि आपको दुनिया में क्या आता है, आपका ट्रेनिंग बहुत ही टारगेटेड टाइप का होता है कि आपको एक चीज सिखाई जाती है एंड उसी से ही रिलेटेड आपको आउटकम देखे, मतलब एक्सपेक्ट किए जाते हैं.
तो हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशंस देखेंगे और देखेंगे कि टीचिंग सीक्स टू इम्पार्ट नॉलेज एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन व्हाइल ट्रेनिंग इज इंटेंडेड टू डेवलप एबिलिटीज. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि हम लोग का जब टीचर हम लोग को कुछ पढ़ाता है, जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम इम्पार्टिंग माई नॉलेज टू यू, एंड इसी नॉलेज के जरिए आपको क्या मिल रही है, कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है. तो यहाँ पे आपको नॉलेज मिलती है एंड इंफॉर्मेशन मिलती है, बट ट्रेनिंग होती है आपकी इंटेंडेड टू डेवलप सम एबिलिटीज. भाई एक सेल्स ऑफिस में एक बंदा जाता है, क्या वहां पे उसको सेल्स के बारे में ज्ञान दिया जाएगा कि सेल्स एक ऐसी चीज होती है जिसके जरिए हम लोग सामान बेचते हैं, फिर हम लोग को प्रॉफिट होता है, कंपनी को इतना मिलता है. ये सब आपके टीचिंग में आ जाएगा. आपके अगर कंपनी में एक एम्प्लॉयर जाता है, उसको सेल्स टारगेट पूरे करने हैं, तो उसको किस बात की ट्रेनिंग मिलेगी? टारगेटेड ट्रेनिंग मिलेगी कि ये तरीके हैं, इसको फॉलो कर लो एंड आपको सेल्स आपको अपनी पूरी करके दिखानी है. तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेनिंग का मतलब होता है कुछ एबिलिटीज या स्किल्स को क्या करना, शेप अप करना. वही यहाँ पे टीचिंग इज मोर थ्योरेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट व्हाइल योर ट्रेनिंग इज मोर प्रैक्टिकल एंड इन्वॉल्व्स ड्रिलिंग एंड रेगुलर एक्सरसाइजिंग. ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टर्म्स है. जहां पे टीचिंग जो होता है बेटा थ्योरेटिकल होता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम ट्राइंग टू टीच यू पीपल, आई एम ट्राइंग टू गिव यू नॉलेज. आपको इन्फॉर्मेशन नई नई मिल रही होगी एंड ये क्या है, थ्योरी बेस्ड है. लेकिन इफ आई वॉन्ट टू ट्रेन यू पीपल इन टीचिंग एप्टीट्यूड, कि मैं आपको सिर्फ एक टारगेटेड स्किल आपके अंदर उत्पन्न करना चाहती हूँ या डेवलप करना चाहती हूँ, तो मेरी बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होगी एंड बार बार ड्रिलिंग एंड एक्सरसाइजिंग के जरिए आई विल ट्राई टू ट्रेन यू इन वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इन वन पर्टिकुलर एरिया. और यही फर्क है बेटा आपका टीचिंग में जो ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करता है, वेयर एज आपके ट्रेनिंग में जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स को डेवलप करने पे काम करता है, बार बार ड्रिलिंग एंड एक्सरसाइजिंग के जरिए आप इसको अचीव कर सकते हो. आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू पीपल. आगे हम लोग एक और बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे. टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग अ पर्सन विथ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड इज अ काइंड ऑफ नॉलेज ट्रांसफर बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट. जाहिर सी बात है, एक टीचर अपने स्टूडेंट को जब अपनी नॉलेज ट्रांसफर करता है, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका टीचिंग. वहीं दूसरी तरफ आपका जो ट्रेनिंग होता है, ये एक टेक्निक होती है फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशंस टू बिल्ड अ पर्सन्स स्किल्स नॉलेज एंड एटीट्यूड्स इन ऑर्डर टू मीट द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स बाय द स्पेसिफिक इंडस्ट्री. भाई मैं एक कॉल सेंटर में आज काम करने जाती हूँ, मुझे नहीं पता है कि इंटरनेशनल मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनसे किस तरीके से बात करनी चाहिए, तो वहां पे मुझे टीचिंग नहीं दी जाएगी कि इंग्लिश ऐसे ऐसे होनी चाहिए, टेंस होना चाहिए, क्लॉजेस होने चाहिए. नहीं, वहां पे मुझे टारगेटेड तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी कि इंटरनेशनल क्लाइंट से ये आपको लाइंस बात करनी है एंड बार बार उसको ड्रिलिंग एंड एक्सरसाइजिंग के जरिए मुझे पक्का किया जाएगा. एंड आई होप ये फर्क आपको समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ेंगे और टीचिंग के साथ ही वर्सेस में देखेंगे हम लोग कंडीशनिंग को. ये आपके चेंज ऑफ बिहेवियर का एक सेकंड एस्पेक्ट आ जाता है, जहां पे आपके बच्चे को या फिर किसी भी लर्नर को कंडीशन किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर चीज से एसोसिएट करके. आप में से जितने भी बच्चे यहाँ पे बीएड कर रहे होंगे, करने वाले होंगे या कर चुके होंगे, सीटेट टेट ये सारे एग्जाम्स आपने दिए होंगे, तो थॉर्नडाइक एंड स्किनर ये दो साइंटिस्ट हैं जो बहुत बड़े बिहेवियरिस्ट साइंटिस्ट माने जाते हैं, उनके वर्क्स या उनकी थ्योरीज से जरूर आपका पाला पड़ा होगा. यहां पे आपके लिए इन दोनों के एग्जांपल है, जहां पे खाने को आपका कंडीशनिंग के जरिए इन लिविंग बीइंग्स को कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है. पहले केस में आपका डॉग है जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, आपके डॉग को सीटी बजा के खाना दिया जाता है एंड जैसे ही सीटी बजती है उसके मुंह में लार टपकने लगती है. इसके कुछ एक दो तीन राउंड्स कराए जाते हैं जहाँ पे सीटी बजाने के बाद उसको खाना दिया जाता है, फिर दूसरे राउंड में सीटी बजा के खाना दिया जाता है, तीसरे राउंड में सिर्फ सीटी बजाई जाती है, खाना नहीं दिया जाता है एंड ऑटोमेटिकली आपके कुत्ते के मुंह में सलाइवा बनने लगता है. तो ये हो गया एसोसिएटिव कंडीशनिंग. आपने उस लिविंग बीइंग को कंडीशन कर दिया, आपने उस पर्टिकुलर सीटी से एसोसिएट कर दिया कि सीटी जैसे ही बजी, खाना सामने नहीं आया, वो कुत्ता तब भी अपना खाना उसके मुंह में सलाइवा बनने लगता है. तो ये हुई पहली टाइप की कंडीशनिंग. दूसरी टाइप की कंडीशनिंग में आपका एक रैट होता है, वहां पे आपका रैट कुछ ना कुछ कर रहा होता है एक डब्बे के अंदर, अचानक से वो इस बजर को दबा देता है एंड जैसे ही
इस बजर को दबाता है, यहाँ पे उसके सामने खाना गिर जाता है, तो वो कंडीशन हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि अच्छा अगर मैं ये पर्टिकुलर बजर दबाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा। इसको कहते हैं लिंक करना, एसोसिएट करना। हम लोग अपने जीवन में, हम लोग अपनी सोसाइटी में अपने बच्चों को या फिर हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो हम लोग को कंडीशन करते हैं। हम लोग स्कूल में जाते हैं तो बच्चों को, लड़कियों को कंडीशन किया जाता है कि काजल मत लगा के आओ, ये चीज गलत होती है। लड़कों को बोला जाता है ये लंबे लंबे बाल मत लगा के आओ, आपको छोटे बाल रखने हैं, जेल नहीं लगाना है। हम लोग को कंडीशन किया जाता है, सही और गलत बताया जाता है कुछ चीजों को एसोसिएट करके। तो ये एक टाइप की टीचिंग होती है जहां पे आप सही गलत को सिखाते हो किसी चीज को कंडीशन करके। भाई क्यों नहीं बड़े बाल कर सकते, क्यों लड़कियां काजल नहीं लगा सकती है, उसको गलत मान लेते हैं एंड हम लोग को कंडीशन कर लेते हैं कि लड़कियों को कुछ सेट ऑफ कपड़े ही पहनने चाहिए, लड़कों को तो भाई घर के लिए कमाना ही चाहिए, रोना नहीं चाहिए, फीलिंग्स नहीं दिखानी चाहिए। हम लोग को बचपन से कंडीशन किया गया है, कुछ धारणाओं को हम लोग के दिमाग में फिट किया गया है। ये एक टाइप की टीचिंग होती है, ये थोड़ी सी नेगेटिव टाइप की टीचिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनिंग। आई होप मेरी एग्जांपल्स आपको बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल लगे होंगे। थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। टीचिंग वर्क्स ऑन एन अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड इनेबल्स स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली। ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चों ने मेरी पुरानी क्लासेस की है उनको तो ये रट गया होगा, जहां पे हम लोग ने टीचिंग को बहुत अच्छी तरीके से तीन लेवल्स के जरिए देखा था, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, जहां पे टीचिंग का मतलब ही होता है क्रिएटिव आइडियाज एंड क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना। वहां पे आप बच्चे के मन में उत्पन्न हो रहे जो क्रिएटिव आइडियाज है, क्रिटिकल थिंकिंग है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे तो ऐसा नहीं दिखता कि मैं काजल लगा के जाऊंगी आई विल बी अट्रैक्टिंग बॉयज, या फिर लड़के बड़े बाल करके जाएंगे तो वो आवारा हो जाएंगे। ये हम लोग के दिमाग में फिट किया गया है, एक धारणा बना दी गई है। अब हम लोग किसी भी एक ऐसे इंसान को स्कूल सिनेरियो में देखेंगे तो हम लोग लगता है कि हाँ हाँ इसका कैरेक्टर खराब है। इसको बोलते हैं कंडीशनिंग, ठीक है। कंडीशनिंग एम्स एट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग ऑफ हैबिट्स। आपका जो कंडीशनिंग होता है वो आपके बिहेवियर को पूरी तरीके से चेंज कर देता है एंड आपकी हैबिट्स को, गुड हैबिट्स को प्रमोट करता है एंड हैबिट्स के जरिए आपको बताता है कि तुम एक सही इंसान हो, तुम एक गलत इंसान हो। तुम 4 बजे उठ के पढ़ाई करते हो तो तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम लेट नाइट पढ़ाई करते हो तो बेटा तुम आवारा हो गए, तुम रात को पढ़ाई नहीं कर रहे होगे, रील्स देख रहे होगे। दिस इज अ काइंड ऑफ कंडीशनड बिहेवियर या फिर कंडीशनड थिंकिंग जो हम लोग के दिमाग में लोगों ने फिट कर दी है। Reinforcement in teaching is not necessary, whereas it plays a vital role in conditioning with reinforcement, typically being a stimulus or reward for a desired response. Reinforcement क्या होता है? आप कुछ गलत करते हो तो आपको punish किया जाता है, आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको reward दिया जाता है। आप तो इसकी वजह से आपको ऑफकोर्स रिवॉर्ड जब मिलेगा तो आप उसी पर्टिकुलर चीज को फोकस करना चाहोगे कि भाई मैं 4 बजे अगर 1 महीने से उठती रही मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। तो ये रीइन्फोर्समेंट आपको मिलती है, कंडीशनिंग आपके दिमाग के हो गई कि नहीं मैं 4 बजे उठी तभी मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चा रात को पढ़ाई करता हो उसका भी हो सकता हो, लेकिन ये जो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाली चीज होती है ना कि किसी भी पर्टिकुलर चीज को करने से कोई फायदा हो जाता है तो हम लोग को लगता है हाँ हाँ इसकी वजह से हुआ है, हम लोग कंडीशन हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बेटा और देखेंगे टीचिंग वर्सेस इंस्ट्रक्शन को। ये एक आपका दूसरा टाइप होता है विच शोज अ चेंज इन योर नॉलेज एंड योर बिहेवियर। टीचिंग वर्सेस इंस्ट्रक्शन के केस में टीचिंग अगेन बेटा आपका एक कोऑपरेटिव प्रोसेस होता है जहां पे एक पर्सन जो होता है इज एन एक्सपर्ट एंड अदर देन द लर्नर बोथ आर एक्टिव ड्यूरिंग द एक्टिविटी। टीचिंग के केस में आपका लर्नर और टीचर दोनों ही आपके एक्टिव होते हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि कोई एक्सपर्ट है और कोई एक सीखने की कोशिश कर रहा है। ये जो आदान प्रदान होता है आपका टीचिंग के केस में वो बराबर का होता है। जैसे आप भी मेरे बच्चे हो, आई एम ट्राइंग टू टीच यू समथिंग, लेकिन आप लोग कमेंट्स के जरिए, बातों के जरिए, फीडबैक्स के जरिए मेरे से बराबर कनेक्शन में रहते हो। सो ये एक टीचिंग प्रोसेस होता है, लेकिन आपका जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है ना वो थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप डायरेक्टिव बेस्ड होता है, सो दैट अनदर कंप्लीट योर टास्क। आपको एक सब्जी बनानी है, आपने यूट्यूब पे जाके देखा कि मुझे ये बैगन की सब्जी या मुझे कटहल की सब्जी कैसे बनानी है, तो वो जो पर्टिकुलर वीडियो में पर्सन होता है वो आपको इंस्ट्रक्शंस देता चला जाता है कि पहले आप पैन में घी डालें, उसके बाद आप इसमें जीरा डालें, देन उसके बाद आप प्याज डालें और उसको इतना गोल्डन ब्राउन होने तक रखें। सो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ट्राइंग टू गिव यू सम इंस्ट्रक्शंस। तो ये थोड़ा सा डायरेक्टिव होता है जहां पे आपका टीचर बता रहा होता है आपको
एग्जैक्टली कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन आपका जो इंस्ट्रक्शन होता है वो वन वे कभी नहीं कहलाएगा, क्योंकि वहां पे भी बेटा एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप इन्वॉल्व होता है. राइट नाउ ऑल्सो आई एम गिविंग यू इंस्ट्रक्शन, ये टीचिंग के साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन भी है, जहां पे मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज स्टेप बाय स्टेप एक टॉपिक समझाती जा रही हूँ एंड यू पीपल आर रिसीविंग इट. एंड आप लोग में से कई सारे बच्चे कमेंट्स भी करेंगे जब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे. सो इंस्ट्रक्शन इज अ बेसिकली इन अ क्लासरूम इन्वायरमेंट, क्लासरूम के अंदर ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप के बेसिस पे काम करता है. ठीक है, ये थोड़ा सा डायरेक्टिव होता है, वेयर वन पर्सन इज एक्टिव एंड द अदर पर्सन इज पैसिव. हम लोग क्या कर रहे हैं, आई एम एट दिस पर्टिकुलर टाइम एक्टिव एंड यू पीपल आर रिसीविंग इट, सो यू पीपल आर पैसिव. इन अ क्लासरूम सिचुएशन इंस्ट्रक्शंस रेफर टू इम्पार्टिंग ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज विच इन्वॉल्व्स गिव एंड टेक ऑफ इन्फॉर्मेशन. ये रेड से क्यों लिखा हुआ है ये आप सबको पता चल गया होगा, बिकॉज इससे एग्जैक्टली क्वेश्चंस आपके बने हैं. ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा और लास्ट मोडालिटी अपनी देखेंगे, टीचिंग वर्सेस इंडॉक्ट्रिनेशन. आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगनिंग कि इंडॉक्ट्रिनेशन ना थोड़ा सा नेगेटिव आपका कोनोटेशन के साथ आता है. टीचिंग वर्क्स ऑन अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड इनेबल्स अ स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली, ये तो भाई हम लोग अब समझ चुके हैं. इंडॉक्ट्रिनेशन होता है इम्पोजिंग योर आइडियाज ऑन समवन, एंड व्हेन आई से इम्पोजिंग आई कैन ऑल्सो से forcing your ideas on someone. इसको negatively इसलिए बोला जाता है, टेररिस्ट वगैरह का एग्जाम्पल लो, छोटे छोटे बच्चों को जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेररिस्ट में तब्दील कर दे रही हैं, उनका ब्रेन वॉश कर दे रही हैं, वो कैसे करती हैं, इंडॉक्ट्रिनेशन का इस्तेमाल करके उनको ऐसी सीख दी जाती है कि उनका जो दिमाग है पूरी तरीके से वॉश हो जाता है एंड अपने आइडियाज को वो इम्पोज करते हैं कि तुम्हें अगर तुमने अगर इतने सेट ऑफ लोगों को, इतने मास लोगों को मार दिया तो अल्लाह आपको अपने पास जगह देगा, या बेसिकली और भी बहुत सारे ये ऐसी चीजें होती हैं, ये आपको टेररिस्ट इंडॉक्ट्रिनेशन यूज किया जाता है वहां पे. Teaching someone to accept a set of belief without questioning, ठीक है, आप अगर किसी भी इंसान को कोई चीज टीच कर रहे हो विदाउट क्वेश्चनिंग, जैसे हम लोग को कहा जाता है विदाउट क्वेश्चनिंग कि तुम्हें सवाल नहीं पूछना है कि मैं तुम्हें रोज सुबह को टीका क्यों लगाता हूं, आपको टीका लगा के ही घर से निकलना है. इसके साइंटिफिक अप्रोचेस भी हो सकते हैं, लेकिन आपको सवाल नहीं उठाना है, आपको बड़ों के पैर छूने ही छूने हैं, आपको सवाल नहीं उठाना है. ये होता है अपने आइडियाज को, अपनी मान्यताओं को किसी के ऊपर इम्पोज करना, थोपना एंड उस इंसान की थिंकिंग को बदल देना. इट इज इम्पोजिंग वन्स आइडियाज ऑन टू अदर्स, हाउएवर इन एवरीडे डिस्कोर्स इंडॉक्ट्रिनेशन इज ऑफन एसोसिएटेड विद नेगेटिव कॉनोटेशन कन्वेइंग एंड फोर्सिंग स्पेसिफिक वैल्यूज और कॉनोटेशन. समझ में आ गया होगा, ये आपकी एक ऐसी टाइप की टीचिंग होती है जहां पे आप सवाल नहीं उठा सकते, आप अपनी थिंकिंग को किसी के ऊपर थोपते हो, इम्पोज करते हो. क्लियर सारे बच्चों को, आई होप क्लियर हो गया होगा. एंड ये चारों चीजें आपको इतनी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि अब इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा यू विल बी एबल टू क्रैक इट. एंड इसी बात पे चलो क्रैक कर सकते हो तो करके दिखाओ, हम लोग साथ में करते हैं क्वेश्चंस एंड देखते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से हम लोग को समझ में आया. जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, पहला जो हमारा क्वेश्चन है मोडालिटीज ऑफ टीचिंग इंप्लीमेंटेशन, चारों आपको दिए हुए हैं एंड आपको सर्च करना है कि आपका सही आंसर क्या है. सबसे पहला पॉइंट है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, दूसरा है आपका ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंडॉक्ट्रिनेशन. अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक नॉर्मल बच्चे की टेक्निक होगी कि पहले वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा और फिर चारों को पढ़ेगा, इसमें से जो सब्जेक्ट सही उसको लगेगा वो उसको करेक्ट कर देगा. लेकिन ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, उसमें आपको इंस्ट्रक्शन के भी चारों लगेंगे, ट्रेनिंग के भी चारों लगेंगे, मतलब अगर ऐसा जनरलाइज्ड क्वेश्चन है तो आप कम से कम उस क्वेश्चन को 5-6 बार पढ़ोगे तब जाके आपको आंसर मिलेगा, विच इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम. मेरा टेक्निक अपनाओ एंड आपका टाइम बच जाएगा. आपको क्या करना है, यहां से स्टार्ट ना करके आपको यहां से स्टार्ट करना है. जैसे कि वन वे इम्पोजिशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट्स, हम लोग ने अभी पढ़ा कि वन वे इम्पोजिशन कौन सा ऐसा टेक्निक है हमारे मोडालिटी ऑफ टीचिंग में जो वन वे होता है और इम्पोज करता है. वो कीवर्ड पकड़ो जो अभी अभी हम लोग ने देखा,
हमारे टीचिंग को, तो हम लोग को बिना कुछ सोचे समझे मिल गया डी का आंसर वन। अब इसमें देख लो कि डी का वन यहाँ पे कहाँ से है, मेरा ये थर्ड वाला पॉइंट है डी का वन, दो तीन और देख लो एंड तुरंत आंसर मिल जाएगा आपको, एक एक करके छाटना नहीं पड़ेगा एंड विद इन क्लिक्स आपके ये आंसर बन जाएंगे। दूसरा पॉइंट, एसोसिएटिव प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट्स। अगर आपको कीवर्ड याद होगा वो कौन सा ऐसा मोडालिटी ऑफ टीचिंग होती है जहां पे हम लोग एसोसिएट कर देते हैं हमारी चीजों को, वो है हमारा कंडीशनिंग, बन गया हमारा सी का टू। हम लोग सबसे पहले उसी में जाके देखेंगे कि डी का वन तो सही बैठा, सी का टू भी मेरा सही बैठ गया, अरे वाह। फिर हम लोग जाएंगे डिसिप्लिन्ड ड्रिल कंडक्टेड बाय द टीचर। अब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा ऐसा होगा, लेकिन मुझे एक और मेरा कीवर्ड मिल गया, ड्रिल कहाँ पे आया था, बार बार आप किसी भी चीज को रिपीट किस केस में करते हो, ट्रेनिंग के केस में करते हैं। बी का आंसर थर्ड, क्या आंसर मिल गया, बस अब मेरा आंसर मिल गया ए का फोर, हमारा बन जाएगा इंस्ट्रक्शन इज एक्टिव इंटरचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स विच आई टोल्ड यू गिव एंड टेक का रिलेशनशिप एंड विद इन नो टाइम मुझे मिल गया मेरा आंसर। पहला क्वेश्चन तो आपको बता दिया, बिकॉज पढ़ाई करने के साथ ही साथ आई वॉन्ट टू टीच यू ऑल द टेक्निक्स जो आपको कोई भी टीचर नहीं बताता है। लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं आपको कंटेंट आपके ऊपर फेंकने में एंड आपको ये बोलने में कि भाई मैं तो जो पढ़ा रहा हूँ या मैं तो जो पढ़ा रही हूँ वो तो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर ऐसा है तो आप सामने से क्वेश्चन लेके आइए एंड बच्चों को दिखाइए कि आपका कॉन्टेंट किस तरीके से अलग है। आप अपनी आंखों के सामने देख पा रहे होंगे कि हम लोग ने कितनी कम देर में कॉन्सेप्ट को पढ़ा, तुरंत क्वेश्चन लगाए एंड इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन लोग से चुटकियों में बन गया। This is the correct technique of how you should be studying and teaching. तो ये हमारा आंसर बन गया है। I hope मेरी ये technique आपको अच्छी लग रही होगी and आप लोग जब खुद से प्रैक्टिस करते हो पेपर वन पेपर टू की, तो मेरी इन क्वेश्चन टेक्निक्स को जरूर से अप्लाई किया करो एंड अच्छा लगे तो फीडबैक भी आके दिया करो। चलेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखेंगे ये क्या है। द मोडालिटी ऑफ टीचिंग हैज टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ट्रेनिंग और instructing in terms of which of the following learning outcomes। अब question देख के परेशान मत होना, सीधा सीधा question आपसे कहने की कोशिश कर रहा है कि आपका teaching किस प्रकार से अलग है आपके training से और आपके instructing से। ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं तो आप समझ नहीं पाते हो कि टीचिंग के बारे में पूछ रहा है या ट्रेनिंग या इंस्ट्रक्टिंग के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन पढ़ना आपके भी दिमाग में आपको यही लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच मेरी क्या होगी। तो कभी कभी बेटा क्या होता है कि हम लोग को क्वेश्चन चार पांच बार नहीं पढ़ना होता है, हम लोग को तुरंत ऑप्शन देखने होते हैं एंड हम लोग को आंसर तुरंत मिल जाता है। ऑप्शन में जाओ, क्या हमारा टीचिंग डिसिप्लिन एंड पैटर्न बिहेवियर है, क्या हमारा टीचिंग क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग है, क्या हमारा टीचिंग फर्म एंड ड्यूरेबल एसोसिएशन ऑफ आइडियाज है, या फिर हमारा टीचिंग क्विक फीडबैक है। भाई मेरे कीवर्ड्स अगर आपने पकड़ लिए हैं तो आपका आंसर विद इन मिनट्स बन गया होगा, मिनट्स भी नहीं सेकेंड्स में बन गया होगा। टीचिंग हम लोग ने पढ़ा था क्रिएटिव एंड आपका क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है एंड इसी के साथ मिल जाता है हम लोग को आंसर नंबर टू। अब दो क्वेश्चन आपको करके दिखा दिए, अगले जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको खुद से करने पड़ेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। ये प्रीमियर वीडियो है, आप लोग साथ ही साथ अपने फीडबैक, अपना कमेंट्स, अपने सही आंसर के जो ऑप्शंस है वो देते जाना, ठीक है। द गोल ऑफ टीचिंग एज कंपेयर टू ट्रेनिंग इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ, अगेन आपका सेम क्वेश्चन लेकिन अलग स्टाइल में पूछा गया है कि टीचिंग किस तरीके से आपका अलग है किससे, ट्रेनिंग से। पॉइंट नंबर वन, प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड आइडियाज एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रिल, देन शेयरिंग एंड केयरिंग लीडिंग टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन, देन एस्टैब्लिशिंग बिलीव्स एंड वैल्यूज लीडिंग टू चेंज इन एटीट्यूड, देन एसोसिएटिंग आइडियाज विद सिमिलर और डिसिमिलर। अब आप अगर ध्यान से इसमें देखेंगे तो इसमें हम लोग ने जितनी मोडालिटीज पढ़ी वो सारी आपकी आ जाएंगी, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है कि टीचिंग किस प्रकार से अलग है आपके ट्रेनिंग से। आप में से किसी ना किसी बच्चे के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, तो क्या मुझे टीचिंग से रिलेटेड आपका ऑप्शन ढूंढना है या मुझे ट्रेनिंग से रिलेटेड ढूंढना है। ऐसे क्वेश्चंस को करने की भी एक टेक्निक होती है, यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो पहले आता है आपका रादर देन योर ऑब्जेक्ट। तो आपको इस क्वेश्चन में ढूंढना है टीचिंग के बारे में क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आप लोग ढूंढो और कमेंट करके बताओ। आई विल वेट फॉर अ मिनट एंड आई विल सी कि आप लोग इसको कर पाते हो या नहीं।
सारी हिंट आपको दे दी है, बहुत इजी होगा आपके लिए जज कर पाना, टीचिंग आपको ढूंढना है, ठीक है। आई होप सारे बच्चों ने अभी तक ढूंढ लिया होगा एंड आपको बहुत इजी लग रहा होगा, कॉन्फिडेंट फील हो रहा होगा। चलो आंसर देखते हैं, टाइम फॉर योर रिवील। तो ये है आपका आंसर, विच इज शेयरिंग एंड केयरिंग लीडिंग टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन। ध्यान देना, अगर ट्रेनिंग यहाँ पे होता बहुत अच्छी तरीके से, इन सारी टिक्स एंड ट्रिप्स को समझ लो, बहुत काम आने वाली है। अगर ट्रेनिंग बेटा पहले लिखा होता तो हम लोग ड्रिल वाला ऑप्शन को चूज करते, लेकिन टीचिंग क्योंकि पहले लिखा हुआ था तो ये मेरा आंसर बन जाता है। ये बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज है, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको टैकल करना है, ठीक है। आई होप सबको अच्छा लग रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ टीचिंग इज व्यूड एज अ कॉन्टिन्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग मोडालिटी इन्वॉल्व्स एक्टिव गिव एंड टेक बिटवीन टीचर एंड लर्नर। आपका ये क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि हम लोग ने ये अभी अभी किया है कि हमारा गिव एंड टेक जो रिलेशनशिप होता है वो हम लोग को किस में मिलता है, वो हम लोग को, चलो आई विल नॉट टेल, आप लोग कमेंट करो सो दैट यू पीपल फील इंटरैक्टिव, आपको लगे कि हाँ हम लोग साथ में है इस पर्टिकुलर मोमेंट में, आप लोग कमेंट करो एंड इसी बात पे हम लोग अब आंसर देख लेते हैं। आई होप सारे बच्चों ने यही आंसर दिया होगा कमेंट सेक्शन में, विच इज योर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन आपका एक्टिव गिव एंड टेक रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है। ये डायरेक्टेड भी होता है, वेयर एज आपका गिव एंड टेक रिलेशन को भी शो करता है। क्वेश्चन नंबर 5, टीचिंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग इन सो फार एज पॉसिबल। बताओ इससे, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड ये तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है और यही आपको प्रूव करना था कि सेम ऑप्शंस के साथ सेम क्वेश्चंस बस आपके अलग अलग लैंग्वेज के साथ बार बार हर साल पूछे जा रहे हैं। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग दीज श्योर शॉर्ट टॉपिक्स, तो कुछ मार्क्स तो बेटा आपके कहीं भी नहीं जा रहे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट आई होप अभी तक कर चुके होंगे कि क्या है आपका जो टीचिंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग इन सो फार एज। मेरी वही टेक्निक आपको यूज करनी है कि आपको जज करना है कि मुझे टीचिंग के अकॉर्डिंग आंसर देना है या ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग। तो सब्जेक्ट रूल के अकॉर्डिंग चलोगे एंड सर्च करोगे टीचिंग के अकॉर्डिंग एंड आपका आंसर क्या बन गया, क्रिटिकल थिंकिंग। बार बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है एंड आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। लग रहा होगा तो अच्छे अच्छे कमेंट करके जाना एंड सो दैट आई फील गुड कि हाँ मेरे बच्चों को अच्छा लग रहा है। इसी बात पे हम लोग पहुंच जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक ऑफ द डे, विच इज मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मोडालिटीज आर डन, नाउ वी आर ऑन टू मॉडल्स ऑफ टीचिंग। आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा डायग्राम बना हुआ है जहां पे सबसे पहला हमारा ऑप्शन है पेडागॉजी, दूसरा हमारा ऑप्शन है एंड्रागॉजी, तीसरा हमारा ऑप्शन है ह्यूटागॉजी। पेडागॉजी आपका टीचर ओरिएंटेड लिखा हुआ है, आपका जो पेडागॉजी होता है वो चिल्ड्रन को पढ़ाई कराने के लिए यूज किया जाता है। एंड्रागॉजी जो मॉडल होता है वो अडल्ट टीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ह्यूटागॉजी जो होता है वो सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग होती है, ये आपका रियलाइजेशन बेसिस के ऊपर काम करता है, चाहे बच्चे को रियलाइजेशन हो गया तो वो भी इसको यूज कर सकता है, अडल्ट को रियलाइजेशन हो गया तो वो भी इसको यूज कर सकता है। अब ये डेप्थ में क्या है, चलो हम लोग इसको देखते हैं एंड समझते हैं। अगेन आपके सामने एक एग्जांपल है, आपके सबसे नीचे लेवल पे आता है पेडागॉजी लेवल, दूसरे लेवल पे आपका आता है हमारा एंड्रागॉजी लेवल एंड तीसरे लेवल पे आता है बेटा ह्यूटागॉजी लेवल। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टॉपिक है आपके टेट सीटेट में बार बार रिपीट होता है एंड आपके नेट एंड सेट में भी कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहला हमारा मॉडल है वो है पेडागॉजिकल टीचिंग, कोई लोग इसको पेडागॉजिकल भी बोलते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसका प्रोनंसिएशन क्या है, हम लोग को कॉन्सेप्ट से मतलब रखना है। तो हमारा जो वर्ड है बेटा पेडागॉजी, इट मींस आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो आप आर्ट साइंस टेक्निक्स मेथड्स का इस्तेमाल करते हो वो आपके पेडागॉजिकल टीचिंग के अंदर आ जाता है। इन पेडागॉजिकल मॉडल द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लर्निंग दस डोमिनेटिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। भाई ध्यान से समझो, आप नर्सरी में हो, आप क्लास 1 में हो, आप क्लास 2 में हो, तो वहां पे बच्चे को, एक छोटे बच्चे को नहीं पता होता है कि मुझे पढ़ाई क्या करनी है और कैसे करनी है। ये वाला जो ऑप्शन है ना कि मुझे क्या पढ़ना है और मुझे
कैसे पढ़ना है, ये एक छोटे बच्चे को दोनों ही चीजें नहीं पता होती हैं। एंड इसी की वजह से यहाँ पे जो डोमिनेंट रोल प्ले करता है, ये मेरे पीछे आ गया, तो यहाँ पे जो डोमिनेंट रोल प्ले करता है वो कौन प्ले करता है? टीचर। हम लोग जब छोटे होते हैं तो क्लास में अंदर जाने से बैठने तक, मैनर्स से लेके पानी पीने तक, मैम मे आई गो टू द टॉयलेट से लेके आपकी अ आ ई ई ए बी सी डी कैट बैट मैट या एवरीथिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारा टीचर। तो पेडागोजिकल टीचिंग लेवल पे जब हम लोग होते हैं तो टीचर आपका डोमिनेंट होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। एंड पेडागोजिकल जो हमारा मॉडल होता है वो डिस्क्राइब करता है व्हाट इफेक्टिव टीचर्स डू टू एंगेज द स्टूडेंट्स इन देयर क्लासरूम्स इन इंटेलेक्चुअल चैलेंजिंग वर्क। हमारे टीचर इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल इन दिस पर्टिकुलर मॉडल ऑफ टीचिंग, जहां पे वो बच्चों को कई सारी एक्टिविटीज में इंगेज करती हैं एंड पढ़ाती हैं एंड नई नई चीजों को सिखाती हैं। आगे बढ़ेंगे और पेडागोजिकल मॉडल के अंदर कुछ और भी देखेंगे। दिस मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन यूजेस द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग सच एज लेक्चर मेथड एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। ये जो डायरेक्ट मेथड है ना, ये कल की क्लास में हम लोग करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग को, जहां पे आप समझेंगे डायरेक्ट मेथड का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली जहां पे टीचर आपको लेक्चर दे रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा है, वो आपको बता रहा है कि ऐसा करो एंड ऐसा मत करो। देन मोटिवेशन जो होता है इस पर्टिकुलर आपकी मॉडल में वो एक्सट्रिंसिक होता है, मतलब कि टीचर बार बार कहता है कि तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है, कंपीटिंग फॉर ग्रेड्स। हम लोग को बाहरी मोटिवेशन दिया जाता है, बच्चे का खुद से मन नहीं होता है पढ़ाई करने का। आजकल बड़ी रील्स, इंस्टाग्राम रील्स बड़ी फेमस हो रही है कि मैं पढ़ते पढ़ते बुढ़ा हो जाऊंगा, एंड बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों की रील्स फेमस होती हैं जहां पे हम लोग को ये देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उनको जानबूझ के कि तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम फर्स्ट आओगे तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें डॉल लेके देंगे, तुम्हें कार लेके देंगे एंड वॉट नॉट। बाहरी मोटिवेशन उनको दिया जाता है इस पर्टिकुलर आपके टाइम के अंदर, इस मॉडल के अंदर। दूसरी चीज, इस पर्टिकुलर लेवल पे बेटा आपका जो करिकुलम होता है, करिकुलम का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सिलेबस होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है एंड फिक्स्ड होता है अकॉर्डिंग टू द सोशल नीड्स। हम लोग की किताब में पता होता है कि हम लोग को पहले सेमेस्टर में, पहले हमारे क्वार्टरली में, देन हाफ ईयरली में चार चैप्टर आएंगे, देन बाद में हमारे चार चैप्टर आएंगे। हमारा जो सिलेबस होता है वो फिक्स्ड होता है। देन इवैल्यूएशन इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द टीचर। टीचर हमारे यूनिट टेस्ट लेती है, देन हमारे एग्जाम होते हैं, देन हमारे लास्ट में फाइनल एग्जाम होते हैं। ये सारी चीजें हमारी फिक्स्ड होती है। तो बेसिकली पेडागोजिकल जो टीचिंग है ना, उसको अपने स्कूल टाइम से याद रखना कि सब कुछ वहां पे फिक्स्ड होता है, टीचर फिक्स्ड होता है, पढ़ाने का तरीका फिक्स्ड होता है, हम लोग को सिलेबस फिक्स्ड होता है एंड मार्क्स भी हम लोग को उस हिसाब से लेके आने होते हैं। इसी के उलट बेटा आपका आ जाता है एंड्रागोजी मॉडल। यहां पे आपका जो स्टूडेंट होता है उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है, बस उसको ये नहीं पता होता है कि कैसे करना है। बेस्ट एग्जाम्पल है इसके आप लोग को पता है कि मुझे नेट क्लियर करना है, लेकिन कैसे करना है मैम वो आप बता दो, क्या क्या पढ़ाई करनी है मैम वो आप बता दो। तो ये आपका अडल्ट लर्निंग या अडल्ट टीचिंग प्रोसेस होता है, जहां पे बड़े बच्चों को बताया जाता है। यहाँ पे आप लोग को अपने गोल्स क्लियर होते हैं कि मुझे नेट क्लियर करना है, क्लियर कैसे करना है उसके लिए आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है। आइए हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। एंड्रागोजी स्टैंड्स फॉर अडल्ट एजुकेशन। मैल्कॉम नॉवेल्स हु इंट्रोड्यूस्ड एंड्रागोजी, ये थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है, याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सबको पता है कि नेट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। इन्होंने एंड्रागोजी मॉडल को आपके इंट्रोड्यूस किया है और बताया है कि ये आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग अडल्ट टू लर्न। आप सारे बच्चे जो अभी वीडियो देख रहे हो वो सबके सब अडल्ट हो, ठीक है? तो अडल्ट को पढ़ाने की जो टेक्निक्स, जो मेथड्स होते हैं वो आपका एंड्रागोजी लेवल में आ जाता है। इन एंड्रागोजी मॉडल टीचर एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर और एज अ गाइड एंड हेल्प्स द टीचर ओनली व्हेन नीडेड और आस्क्ड टू डू सो। आप यहाँ पे टीचर के पास आते हो, टीचर नहीं आपको पकड़ के बैठा के पढ़ाता है, आपका टीचर फैसिलिटेटर की तरह, गाइड की तरह। मैं आपकी कौन हूँ इस टाइम पे, मैं आपकी एक डोमिनेटिंग टीचर नहीं हूँ, आई एम एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर, आई एम हेल्पिंग यू इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ योर पेपर वन एंड पेपर टू। आपको अपने गोल्स क्लियर है, आपका क्या क्लियर है, आपको बस कैसे करना है, इसके लिए आपको एक टीचर या गाइड की हेल्प लगती है।
आपका जो एंड्रोगोजी मॉडल होता है बेटा, जाहिर सी बात है कि आपको अपने गोल्स क्लियर है, तो ये लर्नर सेंटर्ड होता है एंड लर्नर सेंटर्ड होने की वजह से रोल प्लेइंग, सिमुलेशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशंस आपका इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देन मोटिवेशन जो होता है आपका सेल्फ ड्रिवन होता है, आप लोग खुद से मोटिवेटेड हो कि मुझे नेट का एग्जाम क्लियर करना है। मैंने आपके दिमाग में नहीं डाला है कि भाई नेट क्लियर कर लोगे, जेआरएफ क्लियर कर लोगे, प्रोफेसर बन जाओगे, खूब नोट छापोगे। तो इन सारी चीजों के बारे में मोटिवेशन मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ी, आपके अंदर से खुद ये मोटिवेशन आता है, विच इज नोन एज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देन करिकुलम जो होता है आपका फ्लेक्सिबल होता है, एप्लीकेशन बेस्ड होता है एंड क्लोजर टू रियल लाइफ आपका होता है। Then last point, a method of self-evaluation is employed followed by observation. यहाँ पे आपका टेस्ट मैं नहीं लेती हूँ, टीचर नहीं लेता है, आप लोग का इवैल्यूएशन खुद के ऊपर होता है कि भाई इस बार वाला अटेम्प्ट मेरा नहीं हो पाया, क्या चीज मेरी कमजोरी रह गई जिसको मैं अच्छा बना सकता हूँ, सेल्फ इवैल्यूएशन बेस्ड होता है। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम लोग करेंगे अपना आखिरी मॉडल, विच इज नोन एज ह्यूटागोजी मॉडल। ध्यान से देखना, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, एक सेकेंड रुकना, आई विल यूज अ लाइट कलर पेन। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। अब आपका यहाँ पे क्या और कैसे वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल जाता है, एंड ठीक है, क्या और कैसे वाला कॉन्सेप्ट आपका बदल जाता है। यहाँ पे बच्चे को दोनों को पता है कि क्या करना है और कैसे करना है, मुझे दोनों चीजें पता है, इसीलिए मेरी जो लर्निंग होती है वो सेल्फ डिटरमाइंड होती है। मैं खुद ही का टीचर हूँ, मैं खुद ही अपने आप को पढ़ा लूंगा, मैं खुद ही का लर्नर हूँ। तो आपका ह्यूटागोजी जो डिजाइन होता है उसमें बच्चा एक्सप्लोर भी करता है, क्रिएट भी करता है, कोलैबोरेट करता है, कनेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है एंड दूसरों के साथ शेयर करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे। ह्यूटागोजी अदरवाइज नोन एज अ सेल्फ डिटरमाइंड, ये जो वर्ड है ना सेल्फ डिटरमाइंड, ये एक कीवर्ड है, ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बने हैं। लर्निंग इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी दैट एम्फसाइजेस द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमी, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। जिस बच्चे को सेल्फ डिटरमिनेशन हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, उसको किसी टीचर की जरूरत नहीं होती, उसको ये भी पता है कि मुझे नेट क्लियर करना है, उसको ये भी पता होता है कि मुझे कैसे करना है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। As I always tell you people कि भाई PYQs करोगे, PYQs का साथ दोगे तो आपको किसी भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि PYQs आपको exactly बताएंगे कि सबसे पहली चीज बताएंगे कि ये टीचर आपको सही ज्ञान बांट रहा है कि नहीं, या फिर आउटडेटेड मटेरियल पढ़ा रहा है। दूसरी बात, PYQs से जब खुद ही कॉन्सेप्ट निकल आएंगे तो उसको नेट से निकाल के पढ़ लोगे, किसी भी इंसान की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गई सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। ह्यूटागोजिकल लर्निंग इज नॉट नेसेसरली लीनियर और प्लान्ड, ये लीनियर और प्लान्ड नहीं होते हैं, आप खुद से एक्सप्लोर करते हो कि भाई मेरा ये वाला अटेम्प्ट में नहीं निकल पाया, जैसा मेरे साथ हुआ। मेरा जब पहला अटेम्प्ट नहीं निकला था तो आई डिड नॉट सीक ऑन फॉर द टीचर्स दैट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जो भाई कुछ झूठ बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, अपना कोर्सेज बांट रहे हैं, मतलब बेसिकली इट इज अ वेरी विशियस मार्केट दैट इज रनिंग ऑन द इंटरनेट। मैंने मेरी लर्निंग को सेल्फ डिटरमाइन किया, अपनी गलतियों को छाटा, अपनी आंसर की को इस तरीके से घंटों घंटों दिनों दिनों तक बैठ के उसको देखा, जज किया कि भाई ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आ रहे हैं, फिर उन कॉन्सेप्ट पे मैंने खुद काम किया, नेट पे सर्च किया, खूब पढ़ाई की, विदाउट एनी टीचर आई डेवलप्ड माई ओन कॉन्सेप्ट एंड हेयर आई एम इन फ्रंट ऑफ यू टीचिंग यू पीपल। तो सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग जो होती है ना बेटा, वो बेस्ट काइंड ऑफ लर्निंग होती है, क्योंकि उसमें कोई टीचर आपको नहीं बताता है कि तुम्हें ये करना है ये करना है, आप अपनी कमियों को खुद पहचानते हो एंड खुद उसके ऊपर काम करते हो। ठीक है, but much more informal and parallel with how people learn best outside of a school setting. ये आपकी school and traditional setting से बिल्कुल अलग होता है and आपको अलग type की teaching देता है। तो summarize करेंगे, आपका जो pedagogical आपका learning होती है वो teacher-led learning होती है, जहाँ पे unidirectional transfer of knowledge and information and content teacher आपका ये देखो देता चला जाता है आपको अपना ज्ञान, अपनी knowledge। Then andragogical में आपका give and take बेटा होता है, लेकिन ये self-directed होता है।
होती है. नाउ यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, ये सेल्फ डायरेक्टेड होती है, मतलब आपको पता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है, लेकिन कैसे करना है उसके लिए आपको टीचर के पास जाना पड़ता है. दूसरी तरफ ये सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग होती है, जहां पे टीचर ही लर्नर है और लर्नर ही आपका टीचर है. एंड विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. आई होप बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, भाई मुझे पढ़ा के ये कॉन्सेप्ट बहुत मजा आई. अब क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे, जज करेंगे कि आप लोग को ये समझ में आया या नहीं. फॉर ऑप्टिमाइजिंग सेल्फ लर्निंग, आपको अपनी सेल्फ लर्निंग अगर ऑप्टिमाइज करनी है तो विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेशनल प्रिंसिपल्स विल बी मोस्ट हेल्पफुल, इसमें से कौन से मोटिवेशनल प्रिंसिपल्स आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होंगे. यूजिंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, क्रिएटिंग स्कोप फॉर फुलफिलिंग रिलेटेड नीड्स, आप ऐसी नीड्स अपनी क्रिएट करोगे कि मैं ये जब ऐसा स्कोप बनाओगे अपने दिमाग में कि जब इस चीज को कर लूंगा तो मुझे ये मिलेगा, तो ये फुलफिलमेंट मिलेगी मुझे मेरे नीड्स की. या फिर प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर सेटिस्फाइंग नीड फॉर कंपीटेंस, भाई अगर दिमाग में ये आया कि मुझे नेट क्लियर करना है तो आप उसके लिए इनमें से कौन सा मोटिवेशनल पैरामीटर सेट करोगे. चौथा है प्रमोटिंग कंसर्न्स फॉर मीटिंग स्टेटस नीड्स, कि भाई मेरा स्टेटस बढ़ जाएगा. तो ये तो एक चीज हुई कि भाई रिश्तेदारों को बता पाएंगे कि देखो भाई मैं JRF हो गया, मैं प्रोफेसर बन गया, ये दूसरी चीज हुई. लेकिन इसमें से जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल थिंग है वो आपका आंसर है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर सेटिस्फाइंग नीड फॉर कॉम्पिटेंस. आप जब किसी एग्जाम को क्लियर करते हो, कंपटीशन में बैठते हो, तो आपकी वो नीड सेटिस्फाई होती है कि आपने कम्पीट किया कुछ लोगों के साथ. एंड इसी को हम लोग सेल्फ लर्निंग मोटिवेशन के अंदर डालेंगे. आई होप ये क्लियर होगा. ये थोड़ा सा आपका इंट्रीगिंग क्वेश्चन था, नो डाउट. ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर टू को देखेंगे. द फील्ड ऑफ स्टडी विच यूजेस रोल प्लेइंग, सिम्युलेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन एज स्ट्रेटजीज फॉर अडल्ट लर्नर्स इज नोन एज. अब ध्यान देना, अगर आपको ये नहीं याद आ रहा है कि रोल प्लेइंग, सिम्युलेशन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन मैंने कौन से वाले लेवल पे पढ़ा था, तो अडल्ट लर्नर वाला जो कीवर्ड है उसको अगर पकड़ के चलोगे तो आंसर आपका बन गया होगा. कमेंट करो सारे बच्चे कि वो कौन सा हमारा लेवल है जहां पे अडल्ट लर्निंग पे ध्यान दिया जाता है. एंड आई होप आप सब लोग के आंसर अभी तक बन गए होंगे, जो कि है हमारा एंड्रागॉजी लेवल, जो कि अडल्ट लर्निंग को बताता है. तो मेरे कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग नोट्स बनाओगे तो बहुत ईजिली आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ. द फील्ड ऑफ स्टडी, the field of study of the theory and practice of self-determined learning. देखो, self-determined learning. अभी मैं question में आगे भी नहीं गई, लेकिन मुझे इसमें से मेरा already answer मिल चुका है. Self-determined learning that focuses on the importance of knowing how to learn is known as. भाई मुझे question की complexity को समझने की जरूरत ही नहीं है, मेरा keyword ही मेरे लिए काफी है. एंड सारे बच्चों का ये ऑप्शन बन गया होगा. एंड आई एम डेड श्योर कि इसको करते वक्त आप लोग बहुत बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे. कुछ बच्चों की तो स्माइल निकल आई होगी कि यार इतना डिफिकल्ट मैं सोच रहा था कि टीचिंग एप्टीट्यूड के ये टॉपिक्स है, लेकिन ये कितने आसान है. यू जस्ट नीड द राइट अप्रोच ऑफ टीचिंग. ठीक है, तो आपका आंसर बन जाता है ह्यूटागॉजी, जो कि है हमारा सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग. आगे बढ़ेंगे बेटा और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द फील्ड ऑफ स्टडी डीलिंग विद मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स यूज्ड इन अडल्ट एजुकेशन. अगेन आपसे अडल्ट के बारे में पूछा है एंड अभी तक अगेन आप सबका आंसर बन गया होगा, जो कि है हमारा एंड्रागॉजी लेवल. ए से एंड्रागॉजी, ए से हमारा अडल्ट. इसको आप सारे बच्चे याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना पांचवा क्वेश्चन. व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एंड्रागॉजी एंड पेडागॉजी. अब आपको बहुत ध्यान से समझना है कि प्राइमरी डिफरेंस हमारे एंड्रागॉजी और पेडागॉजी में क्या है. पहला पॉइंट, एंड्रागॉजी एम्फसाइजेस प्रॉब्लम सेंटर्ड लर्निंग व्हाइल पेडागॉजी एम्फसाइजेस टीचर सेंटर्ड लर्निंग. अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका, भाई मैंने पेडागॉजी वाले कॉन्सेप्ट में टीचर सेंटर्ड लर्निंग पढ़ा था, ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या मैंने एंड्रागॉजी में प्रॉब्लम सेंटर्ड लर्निंग पढ़ा? एक बार भी नहीं पढ़ा. तो मैं इस वाले ऑप्शन को थोड़ा सा अभी स्टैंड बाय पे रखूंगी. क्वेश्चन पॉइंट नंबर सेकेंड, एंड्रागॉजी इज फोकस्ड ऑन अडल्ट लर्नर्स, बिल्कुल सही. चौथा पांचवा क्वेश्चन कर रहे हैं जो रिपीट हो रहा है, तो ये सही है. व्हाइल पेडागॉजी इज फोकस्ड ऑन चाइल्ड लर्नर्स, तो ये तो सटीक बैठ रहा है मेरा दोनों तरफ से. तीसरे पॉइंट को देखेंगे,
Andragogy emphasizes self-directed learning. हाँ भाई, ये तो हम लोग ने पढ़ा है कि ये self-directed learning होता है. While pedagogy emphasizes rote memorization. ये तो हम लोग ने नहीं पढ़ा, तो ये जो second वाला option है ये भी मेरा सही नहीं बैठ रहा है, इसको मैं कट कर दूंगी. Fourth point, andragogy is focused on experimental learning. ये तो हम लोग ने कभी भी नहीं पढ़ा कि andragogy adult के लिए होता है तो experimental हो जाएगा, तो ये नहीं सही है. While pedagogy is focused on academic learning. सही हो सकता है, लेकिन दोनों options का सही होना चाहिए, जिसमें से मेरा सिर्फ यही वाला option सही बैठ रहा है. तो क्वेश्चंस की भावनाओं में आपको बह नहीं जाना है कि मैंने पहला पॉइंट पढ़ा तो हाँ टीचर सेंटर पढ़ा तो था तो यही सही होगा. आपके अगर एक ही सेंटेंस में दो टाइप के ऑप्शंस दिए हुए हैं तो दोनों अगर सही होंगे तभी बेटा आपका आंसर सही बैठेगा, विच इज अवर दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, समझ में आया? अब आपके लिए है एक स्पेशल क्वेश्चन जिसका आपको आंसर नहीं मिलेगा. ये क्वेश्चन मेरा लाने का ये बहुत ही बड़ा एक रीजन था. हम लोग जब भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड तुरंत जब क्वेश्चंस देखते हैं तो फ्रेश नॉलेज होने की वजह से हम लोग के क्वेश्चंस तुरंत बन जाते हैं, लेकिन अगर कोई नॉलेज हमारी पुरानी हो जाती है तो उसको रिट्रीव करना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है. अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है एंड मेरे लेक्चर्स पढ़ने के बाद आप फिर से रिवाइज करते हो तो ये क्वेश्चन आपसे तुरंत बन जाएगा जो हम लोग ने शायद कल किया था. अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स, आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग होता है वो मेमोरी, एप्टीट्यूड, इनसाइट और क्रिएटिविटी में से कौन से ऑप्शन सही बैठते हैं. बहुत अच्छी तरीके से देखो, याद करो और आंसर करो, एंड आई होप आप सारे बच्चे इसको बहुत अच्छी तरीके से आंसर करेंगे. अगर आपका ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कल पढ़ा था सही बैठ जाता है, सो आई विल बिकम वेरी हैप्पी कि हाँ बच्चे सही तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई नेट के एग्जाम में तो तुरंत तुरंत वाले आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, इसी तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा. सो आई विल ट्राई ऑन डेली बेसिस कि आपको एंड में एक ऑफ टॉपिक क्वेश्चन मिले जो हम लोगों ने पिछले दिनों में कभी पढ़ा हो, सो दैट आपकी वो नॉलेज भी रिवाइज होती रहे. सो जल्दी से कमेंट करो. हिंट आई want to give you, हमारे जो तीन लेवल थे जिसमें से हमारा एक मेमोरी लेवल था, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल था, एक रिफ्लेक्टिव लेवल था, तो इसमें इन चारों में से एक आपका मेमोरी लेवल को बिलोंग करता है, एक आपका रिफ्लेक्टिव लेवल को बिलोंग करता है, बाकी दो जो आपके बच जाते हैं वो है आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो आपको सोचना है एंड बताना है कि वो कौन से हैं. ठीक है, ऑन दैट नोट खत्म होती है हमारी आज की क्लास. काफी लंबी क्लास हो गई होगी लेकिन आज की क्लास बहुत फ्रूटफुल रही होगी. आई होप आप सबके लिए अच्छी लगती है ये सारी क्लासेस और तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो रही है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, कंजूसी मत करिए इस चीज में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. भाई पेपर वन के तो बहुत सारे आपके दोस्त हो सकते हैं, उनको शेयर करो एंड उनको दिखाओ कि भाई इतने अच्छे तरीके से, इजी तरीके से आप लोग भी पढ़ाई कर सकते हो. एंड आपको जो भी कहना होता है उसको जरूर से कमेंट किया करो, क्योंकि आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो फीडबैक्स हैं, वो मेरे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं एक मोटिवेटिंग फैक्टर के तरीके. एंड यूट्यूब को भी ये इंडिकेशन मिलता है कि भाई बच्चों को पसंद आ रहा है, एंड यूट्यूब ट्राइज टू प्रमोट सच काइंड ऑफ वीडियोस. मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पे हम लोग फिर से इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे और आपकी लर्निंग जर्नी को आसान बनाएंगे हर दिन. सो बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं कल.